कांग्रेस नेता राहुल गांधी शादी कब करेंगे, ये सवाल अक्सर उनका पीछा करता रहता है। राहुल गांधी की शादी को लेकर अक्सर विवाद भी चलता है। राहुल गांधी शादी कब करेंगे, इस सवाल का जवाब जानने में कई लोग दिलचस्पी रखते हैं। यही वजह है कि अक्सर राहुल गांधी से उनकी शादी को लेकर सवाल पूछ ही लिया जाता है। राहुल गांधी से उनकी शादी को लेकर कई बार सवाल पूछा जा चुका है। जब राहुल गांधी रायबरेली से नामांकन करने के बाद रैली को संबोधित कर रहे थे तो उनसे इस सवाल का फिर से सामना करना पड़ा था, जिसका जवाब राहुल गांधी ने हंसते हुए दिया था। वहीं एक बार फिर राहुल गांधी शादी की चर्चाओं से घिरते हुए नजर आ रहे हैं और इस बार उनका नाम प्रणीति शिंदे से जोड़ा जा रहा है। जी हाँ, नमस्कार दर्शकों, आप देखें द न्यूज 15 और आपके साथ मैं सुम्बिका। लोकसभा सत्र के दौरान शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, सदन में राहुल गांधी भी मौजूद थे। तभी महाराष्ट्र की सोलापुर सीट से चुनाव जीत कर आई प्रणीति शिंदे शपथ लेने के लिए मंच की ओर बढ़ रही थी। प्रणीति शिंदे ने देखा कि राहुल गांधी आगे वाली सीट पर मौजूद हैं, तभी वो जाती हैं और उनसे नमस्ते बोलती हैं। राहुल गांधी ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया और फिर शिंदे ने राहुल गांधी से हाथ मिलाया और शपथ लेने को गई। प्रणीति शिंदे के बारे में अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि जिस चेहरे ने इस वक्त सबका ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ है, वो चेहरा था इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र की सोलापुर लोकसभा सीट पर इतिहास रचने वाली सांसद परिणीति शिंदे का। जी हाँ, जो सोलापुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राम सातपुते को 74,000 से ज्यादा वोटों से हराकर संसद पहुंची है। आपको बता दें कि इस सीट पर पहली बार किसी महिला ने जीत दर्ज की है। अपने अंदाज और खूबसूरती के लिए भी वो सोशल मीडिया पर काफी चर्चित रहने वाली परिणीति चोपड़ा ही हैं। और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि आज मैं लोकतंत्र के मंदिर परिसर में खड़ी हूँ, ये मेरे लिए गौरवान्वित और इमोशनल टाइम है, लेकिन मैं चाहती थी कि अगर ये पुराने संसद भवन में होता, क्योंकि वो ऐतिहासिक था। इतना कहकर परिणीति वहाँ से चली गई, लेकिन इसके बाद से वो लगातार सोशल मीडिया पर आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मालूम हो कि परिणीति को राजनीति विरासत में मिली है। वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी हैं। शिंदे ने अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी बनाया है। शिंदे की गिनती देश के दिग्गज नेताओं में होती है। परिणीति 3 बार सोलापुर सीट सेंट्रल सीट में 3 बार एमएलए बनी रही। साल 2009 में इन्होंने पहली बार विधायकी का इलेक्शन जीता था, जिसके बाद 2014 और 2019 में ये एमएलए बने और अब ये संसद पहुंची। खूबसूरती में अभिनेत्रियों को मात देने वाली परिणीति ने साल 2001 में सेंट जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन की और मुंबई में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से वकालत की। इन्होंने अपना जो हल्फनामा चुनाव आयोग को दिया था, उसके हिसाब से परिणीति शिंदे के पास 6,60,70,402 रुपए की संपत्ति है। आपको बता दें कि जब तेलंगाना में रेवंत रेड्डी शपथ ग्रहण समारोह में थे और उस दौरान परिणीति राहुल गांधी के जस्ट ठीक पीछे ही बैठी थी। अब ये खबर भी काफी तेजी से वायरल हुई और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी परिणीति के शादी को लेकर चर्चा तेज हो गई। परिणीति शिंदे एक दलित परिवार से ताल्लुक रखती हैं। परिणीति शिंदे को लोग राहुल गांधी का करीबी भी बताते हैं। महाराष्ट्र से राहुल गांधी ने ही परिणीति को लोकसभा का टिकट दिया था। परिणीति ने भरोसा कायम रखा और चुनाव भी जीता। अब ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों की शादी भी जल्द हो सकती है, क्योंकि इस पर कॉन्ट्रोवर्सी और चर्चा जमकर हो रही है। अब आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देखते रहिए द न्यूज 15, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।